नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलीटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम बायोमास ऊर्जा के बारे में स्टडी करेंगे। बायोमास ऊर्जा कहते किसे हैं, उससे पहले बायोमास क्या होता है हम ये जानेंगे। जैव ईंधन प्राप्त करने के लिए उत्पादित वानस्पतिक पदार्थों को बायोमास कहा जाता है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग जंतु और पादप जन्य उन सभी वस्तुओं के लिए होता है जो रेशे, रसायन या जैव ईंधन के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। बायोमास में जैविक रूप से नष्ट किए जा सकने वाला कचरा, जैव कचरा भी सम्मिलित है। उदाहरणतः गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी इत्यादि। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधा जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बायोमास क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वुड है, गार्बेज है, क्रॉप्स का वेस्ट है, अल्कोहल फ्यूल है, लैंडफिल गैसेस हैं। ये सभी बायोमास के उदाहरण हैं। बायोमास को जैव ईंधन के रूप में कई प्रकार से बदला जा सकता है, जिन्हें मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऊष्मीय विधियां, रासायनिक विधियां और जैव रासायनिक विधियां। बायोमास ऊर्जा कृषि, उद्योग तथा शहरों से निकलने वाले अन्य अवशिष्टों को संशोधित कर मिलाने वाली वैकल्पिक ऊर्जा है। इनमें दो प्रक्रम शामिल हैं, बायोमास ब्रिकेटिंग अर्थात अवशिष्ट संग्रहण और दूसरा बायोमास गैसीकरण अर्थात ताप ऊर्जा का उत्पादन। बायोमास ऊर्जा ग्रामीणों में प्रमुख ईंधन स्रोत लकड़ी तथा कृषि अवशिष्ट पदार्थों के वैज्ञानिक तरीके से जलाने से प्राप्त होती है। अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष लगभग 14.5 करोड़ टन कृषि अवशिष्ट उपलब्ध होता है। बायोमास गैसीकरण किस प्रकार करते हैं, क्या होता है देखते हैं। बायोमास गैसीकरण ठोस का तापीय रसायन विधि से दहन योग्य गैस मिश्रण अर्थात प्रोड्यूसर गैस में रूपांतरण है। इस विधि में आंशिक दहन के लिए वायु की मात्रा पूर्ण दहन के लिए आवश्यक मात्रा से कम कर दी जाती है, अर्थात कम वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है, जिससे प्रोड्यूसर गैस उत्पन्न होती है। इसे उत्पन्न गैस भी कहते हैं। इस गैस का संगठन इस तरह से है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 18 से 20% होती है, हाइड्रोजन की मात्रा 15 से 20% होती है, मीथेन 1 से 5%, कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 12%, नाइट्रोजन 45 से 55% और ऊर्जा का मान 1000 से 12000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर। गैसीकरण की कार्य पद्धति। गैसीकरण अपड्राफ्ट या डाउनड्राफ्ट प्रकार के होते हैं। डाउनड्राफ्ट प्रकार के गैसीकरण में ईंधन तथा वायु सहधारा के रूप में बहते हैं एक ही दिशा में, जबकि अपड्राफ्ट गैसीकरण में ईंधन तथा वायु विपरीत धारा में के रूप में बहते हैं। हालांकि मूल प्रतिक्रिया क्षेत्र समान ही होता है, अर्थात कम वायु की उपस्थिति में उनका आंशिक दहन होता है। रिएक्टर में ईंधन ऊपर से डाला जाता है। ईंधन जैसे जैसे नीचे जाता है, इसे सुखाया जाता है तथा पायरोलाइसिस किया जाता है। ऑक्सीडेशन क्षेत्र में हवा को रिएक्टर में झोंका जाता है। पायरोलाइसिस उत्पाद तथा ठोस बायोमास के आंशिक दहन के जरिए तापमान लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इससे भारी हाइड्रोकार्बन तथा टार को तोड़ने में मदद मिलती है। ये उत्पाद नीचे की ओर जाते हैं और अवकरण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां लाल गर्म चारकोल पर भाप तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। इंजन में भेजने से पहले इस गर्म और बदबूदार गैस को शीतक, क्लीनर्स तथा फिल्टर से होकर गुजारा जाता है। बायोमास गैसीकरण का लाभ क्या है? प्रोड्यूसर गैस का उपयोग डीजल की जगह बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन या अनुकूलित किए आईसी इंजन के रूप में किया जा सकता है। प्रोड्यूसर गैस ऊर्जा के पारंपरिक रूपों जैसे उद्योगों में उपयुक्त तेल की जगह ले सकती है।
गैसीकरण प्रक्रिया द्वारा बायोमास का अपेक्षाकृत स्वच्छ तथा पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य शर्तों पर उपयोग होता है। प्रोड्यूसर गैस के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? स्वच्छ प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के निर्माण में दोहरे आईसी इंजन, जहां डीजल तेल को 60 से 80% की सीमा तक विस्थापित किया जाता है, या 100% गैस फायर्ड स्पार्क इग्निशन इंजन के जरिए किया जा सकता है। प्रोड्यूसर गैस का प्रयोग छोटे बॉयलरों, गर्म वायु जनरेटरों, ड्रायर आदि में ताप पैदा करने में प्रयुक्त कई पारंपरिक ऊर्जा रूपों की जगह पर किया जा सकता है। तो इस तरह हमने देखा है कि बायोमास क्या क्या होता है, बायोमास से किस तरह हम ब्रिकेटिंग कर सकते हैं, किस तरह प्रोड्यूसर गैस बना सकते हैं, उसका गैसीकरण कर सकते हैं, और प्रोड्यूसर गैस का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। धन्यवाद।